नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं अनमोल बनारस यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस समय मौजूद है हम वाराणसी के गंगा घाट पे, वो भी मणिकर्णिका, और यहाँ पे जो रत्नेश्वर महादेव जी का मंदिर है वहाँ पे हम मौजूद है, और साक्षात हम एक बाबा जी दिखे हैं। प्रणाम बाबा जी, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मुझे परमहंस युत रिजटा घोड़ी बोलते हैं जी। और आप जैसे काशी में कब आए? आज ही आया हूँ सुबह में। अच्छा, आप रहते कहाँ हैं? मैं सिद्धाश्रम वासी हूँ, कैलाश मानसरोवर से मेरा संपर्क है। एक साधु साधुत्व को तभी प्राप्त कर सकता है जब वो गंगा के तरह रमते रहे, रमता जोगी बहता पानी। अगर साधु आश्रम बना ले, साधु घर बना ले, तो फिर उसमें साधुत्व नहीं है। फिर उस माया को क्यों छोड़े, हम अपने घर वापस क्यों नहीं जाए? अच्छा महाराज जी, आपका जो ये जो खड़ाऊ चप्पल है ना जी, अच्छा बहुत साधु को कम देखे हैं कि ये भेष पूरा एकदम साधु का हो आजकल तो। साधु का भेष का मतलब आप बोलना क्या चाहते हैं? देखिए हम बहुत सारे काश, बहुत स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ, ये लाइसेंस है मेरे पास। अच्छा, नहीं तो लोग मुझे साधु नहीं बोलेंगे, अघोड़ी नहीं बोलेंगे, बैरागी नहीं बोलेंगे। भगवान शंकर से दक्ष प्रजापति पूछे थे कि आप तो बैरागी हो, शमशानवासी हो, आपको संसार से क्या मतलब है? तो बहुत प्यार से भगवान शंकर उत्तर दिए थे, वैराग्य मेरा जीवन है, संसार मेरा कर्म है। तो ये संसार के लिए है। कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। मांग लिए तो भिखारी, मिल गया तो दाता। अच्छा बाबा, केदारनाथ में भी आप रहते हैं? हाँ। अच्छा, वहाँ पे तो बाबा ललितदास जी का आश्रम है, वो 6 महीना मानव का सेवा करते हैं, 6 महीना देव का सेवा करते हैं। देव क्या है? What do you mean by देव? देव मतलब भगवान। श्रीमद् भागवत गीता में जाइएगा। हाँ। जब कृष्ण पृथ्वी छोड़ रहे हैं तो उनके बहुत प्रिय मित्र उनसे प्रश्न किए हैं, अरे आप भगवान हो, मर रहे हो, संसार में गलत मैसेज जाएगा। बहुत प्यार से श्री कृष्ण उत्तर दिए हैं, भौसे भूमि गौसे गगन वसे वायु आसे आग नौसे नीर पंच तत्व रहित शरीर। इस शरीर का सेवा नहीं किए तो किस देव का सेवा करेंगे? माँ बाप से बड़ा देव कौन है भैया? कोई नहीं है। भगवान जब शंकर जी कार्तिकेय और गणेश जी को कहें कि आप पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा के आइए, तो याद नहीं आ रहा है हमें, तो गणेश ने अपने माता पिता का चक्कर लगाया था जी, और माता पिता से बड़ा कोई नहीं है पृथ्वी पर। मैं बार बार बोलता हूँ, ये जो 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया भगवान के पीछे खर्चा करें, ये आपका आस्था है। हाँ, इस आस्था को आस्थे के जगह पे रखिए। यही पैसा अगर आप अपने बच्चे अपने परिवार के पीछे खर्चा करेंगे, अगर वो खुश हो गए तो स्वयं परमेश्वर खुश हो जाएंगे। मैं अभी थोड़ा देर पहले चर्चा कर रहा था, बोला था कि महर्षि वाल्मीकि नहीं, हाँ महर्षि साउथ के हैं एक महात्मा। अच्छा, वो मैं को खोजने निकले थे। मैं का मतलब अहम नहीं, मैं का मतलब ब्रह्म। क्या रावण को पता नहीं था कि उसके अंदर ब्रह्म बैठा हुआ है? अगर वो अहम नहीं करता तो उसकी मृत्यु उसको नहीं लाता। और ये भगवान राम भी जानते थे, जिस राम लला के लिए हम लोग 500 साल का संघर्ष किए, 22 जनवरी को आत्मा संतुष्ट हो गया था, इतना पवित्र महसूस हो रहा था, जिसकी धारणा नहीं थी कि 2200 साल का संघर्ष हमने कितने खत्म किया। कितने कार सेवक वहां पे मारे गए थे? प्रश्न कार सेवकों का नहीं है, राम रुचि राखा, राम जी की जो इच्छा थी उसी अनुसार हुए हैं। बहुतों का प्रश्न रहा है कि मोदी जी क्यों ये किए, मोदी जी नहीं किए, एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं किए, वो राम जी किए, राम की के इच्छा थी बोल के मोदी जी किए। और मैं तो अपने चारों परम पूजनीय शंकर के आचार्य शंकराचार्यों को बोलना चाहता हूँ कि भाई चारों कोना में आपको प्रतिष्ठित किया गया था धर्म की रक्षा करने के लिए, क्या आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं? इस बात पर सोचना चाहिए। मैं कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर रहा हूं, धर्म क्या है ये लोगों तक आपने पहुंचाया है क्या? नहीं पहुंचा पाए, नहीं पहुंचाए।
ठीक है, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। मोदी ने जो कर दिया, गुप्ता काल में हमने इतिहास में पढ़ा था कि स्वर्ण काल था, मोदी काल में मोदी जी के नेतृत्व में, मैं कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, राजनीति से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मोदी जी के राज्य में ये धर्म का स्वर्ण युग है, इसका फायदा हर व्यक्ति को लेना चाहिए। चारों शंकराचार्य इतने वर्षों के तपस्या के बाद भी, इतने वर्षों के कर्म के बाद भी राममय नहीं बना पाए, किंतु एक 22 जनवरी सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या ट्विटर हो, हर व्यक्ति के मन में, हर व्यक्ति के अंदर में राममय शब्द जागा, इससे बड़ा और क्या चाहिए। मोदी क्या किए नहीं किए, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, बस मोदी राममय कर दिया, दैट इज एनफ। लोगों के अंदर वो भाव आ गया, वो बहुत है। बाबा जी, पूजा किसका करना चाहिए? माता पिता, उससे बढ़ के पृथ्वी पे कोई भगवान नहीं है। वही तो बता रहे हैं, वही तो बता रहे हैं, इतने जो संत महात्मा है उनके पूजा क्यों की? गुरु हरदम पूजनीय होंगे, पूजनीय रहेंगे, गुरु कभी भी उनका ये नहीं है। महात्मा के अंदर महत्व है तो आप सेवा कीजिए, महत्व नहीं है तो सेवा मत कीजिए। मैं अघोड़ी हूँ, जिंदा भी खाता हूँ, मरा भी खाता हूँ, किंतु मैं बोलता हूँ नशा मुक्त समाज होना चाहिए, ना मैं दारू पीता हूँ, ना सुल्फा पीता हूँ, ना गांजा पीता हूँ। महाराज जी एक मिनट, इसमें हम काशी में बहुत सारे अघोड़ी और बाहर वगैरह गए हैं तो नशे में धूत रहते हैं, नशा किसका करना है? उसका करना है ना, शमशान का राख हमने लगा ही लिया तो 500 बोतल तो ऐसी चढ़ गया मेरे को, फिर किसका नशा करे और क्यों करे? ये कृत्रिम नशा करके अपने शरीर को क्यों नष्ट करे? शरीर को क्यों नष्ट करे? ये जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं है। नशा मुक्त समाज होना चाहिए, ये हर साधु को समाज में ये सूचना देना चाहिए। कुछ साधुओं को मैंने देखा है, आते हैं बड़ा बड़ा डायलॉग देते हैं और उनके पीछे देखिए तो कुछ यंग बैच के बच्चे गांजा टांगते हुए मिलेंगे। अरे जब गांजा पिला के उनको नापुंसक कर देंगे तो फिर एक घर में चार बच्चा कहां से आएगा? बातचीत वगैरह कर रहे हैं, इन सब चीजों को बंद होना चाहिए। महाराज जी एक क्वेश्चन और है, अभी हम काशी में दो तीन बाबा से इंटरव्यू वगैरह लिया है, बहुत से नागा साधु हैं और बहुत से अघोरी है, और अघोरी और नागा बाबा में क्या फर्क है? अघोरी अ का मतलब क्या होता है? अंधकार। अंधकार जी। अ का मतलब प्रकाश, सॉरी अ का मतलब प्रकाश जी। अघोर का मतलब अंधकार। मेरा एक स्लोगन है, जय घोर, जय अघोर, जय भवानी। हर व्यक्ति, हर व्यक्तित्व अघोड़ी है, चाहे वो नर हो या नारी हो। मैं प्रमाण देता हूँ, जब आप माँ के गर्भ में रहते हैं, जिस अवस्था में गर्भ में है, 9 महीना किस अवस्था में है, लेटरिन का भी पाइप है ना, वहाँ यूरिन भी है ना, ब्लड भी है ना, वाटर भी है ना, तो आप जय घोड़ में है ना, अंधकार में है ना, उसके बाद है जय अघोड़। वहाँ से जब आप प्रकाश की दुनिया में आ रहे हैं तब आप पूर्णतः अघोड़ी के रूप में इस पृथ्वी पर पैर रख रहे हैं, और आ कहाँ से रहे हैं? उसी भवानी के गर्भ से ना जी। तो जय घोड़, जय अघोड़, जय भवानी को जिस दिन आप समझ लीजिएगा, अघोड़ी को समझ लीजिएगा। और नागा बाबा में क्या होता है? नागाओं का बहुत कष्टकर जिंदगी है जी, जिसके चारों दिख अंबर हो, जिसके बदन में वस्त्र ना हो, जिसको संसार से कोई मतलब नहीं है, एक कुंडल में पड़े रहते हैं। नागाओं का मतलब ये नहीं है कि नंगा होके हम समाज व्यवस्था में आ जाए। आदि गुरु शंकराचार्य का निर्देश है, समाज व्यवस्था में आना है तो आपको वस्त्र के सहित आना है, उलंग अवस्था में समाज व्यवस्था के अंदर प्रदर्शन करने नहीं आना है कि आप नागा हैं। शिव का एक स्वरूप है नाग, नागेश्वर महादेव जी का मतलब नाग महादेव नहीं, अच्छा, वो नागा महादेव। अच्छा, नागा बाबू जो जो बनते हैं वो अपना खुद रही पिंडदान और परिवार का भी पिंडदान करना पड़ता है, स्वयं का, स्वयं से पिंडदान करना पड़ता है। इस विषय पे अगर हम आपसे चर्चा करें तो लंबा चर्चा हो जाएगा, पिंड क्या है थोड़ा जैसे शॉर्टकट में, फिर भी मैं बता रहा हूँ पिंड क्या है। 10 पिंड क्यों, 12 पिंड क्यों, 13 पिंड क्यों, हर नागा, हर साधु, हर अघोड़ी को अपना पिंड दान करके यहाँ आना पड़ता है, क्योंकि अघोड़ का एक सिद्धांत है लज्जा, घृणा और भय। लज्जा बोलने में वस्त्र में भी है अघोड़ी तो खुश, निर्वस्त्र है तो भी खुश, उसको किसी चीज़ की लज्जा नहीं है। भय इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपना पिंड दान कर आया है, जब काल बुलाएगा तब तैयार है, वो काल के बस में नहीं है, दसों द्वार का रास्ता उसको पता है, तब वो अघोड़ी है। भय नहीं है, लज्जा नहीं है,
और घृणा, अगर आप मुझे उस नाली से भी चावल उठा के देंगे तो उसमें मैं शिव तत्व को खोजते हुए हंसते हुए ग्रहण करूंगा। अच्छा, कहा जाता है काशी में भगवान विष्णु ने करीब 60,000 वर्ष तपस्या किया था भगवान शंकर को लाने के लिए। भाई भगवान शिव हैं, एक बेलपत्र एक लोटा पानी में खुश हो जाते हैं। अच्छा, भगवान शास्त्रों की बात है। हाँ। शास्त्रों की बात है, शास्त्र तक ही रहने दीजिए। वी आर गोइंग टू 21st सेंचुरी। हर कोई प्रैक्टिकल करना चाहता है, प्रैक्टिकल खोजना चाहता है। जी जी, क्योंकि साइंस है। धर्म का अर्थ मैं साइंस को समझता हूँ। हर जगह में साइंस है, चाहे वो इस्लाम में हो या हमारे अंदर सनातन के अंदर हो। क्योंकि मेरे पास जात दो ही है, एक औरत और एक मर्द। ना मैं हिंदू को देखा हूँ जन्मते, ना मैं मुसलमान को देखा हूँ जन्मते। टोटली डिपेंडिंग ऑफ साइंस। धर्म जो है पूरा साइंस है। सूर्य का उगना, सूर्य का डूबना, ग्रहण लगना, ये सारा साइंस है। और अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं तो मैं फिर बोलता हूँ, तंत्र मंत्र अगड़म बगड़म जो है इसके चक्कर में मत पड़िए। अच्छा, काफी लोग कहते हैं कि हमें अघोर जी से ये पूजा पाठ करवाना है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। दिस इज द वन टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। एक साइकोलॉजी है। अच्छा, काफी लोग परेशान रहते हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? परेशान कौन नहीं है, हम बाबा परेशान नहीं है। देखो ये लड़का इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यू लेके परेशान कर रहा है ना। कुछ परेशान है आपसे इंटरव्यू लेने में। ठीक है, मेरे को भी परेशान कर रहा है ना। परेशान हर व्यक्ति है, मगर हर कोई जानना चाहता है। परेशान से बड़ा दोस्त इस दुनिया में कोई नहीं है। दुख और तकलीफ से बड़ा मित्र इस दुनिया में कोई नहीं है, जो बार बार आपको याद दिला रहा है कि आपका सुख का दिन आने वाला है। और कुछ नहीं महाराज, बहुत बहुत अच्छा लगा।